स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर CBSE ने क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर के लिए एक नया ऑप्शन प्रोवाइड करा है CBSE की वेबसाइट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये CBSE की वेबसाइट है और यहाँ पे ये रोल नंबर फाइंडर, ये एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब आप इस रोल नंबर फाइंडर 2021 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10th और क्लास 12th के लिए दो ऑप्शन प्रोवाइड करे गए हैं। अब इनमें से स्टूडेंट को, अगर वो क्लास 10th के स्टूडेंट है तो 10th को सिलेक्ट करना है और 12th के स्टूडेंट है तो 12th को सिलेक्ट करना है। पहले मैं आपको 10th का दिखा देता हूँ किस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th 2021 कैंडिडेट नेम फादर नेम। तो कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है जैसा LOC के अंदर फिल करा गया था, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम और फिर डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की DDMMYY में, और इस बटन के ऊपर क्लिक करना है सर्च डाटा के ऊपर। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस थी ये क्लास 10th के लिए है। फिर इसी तरीके से अगर आपको क्लास 12th के लिए करना है तो आप इसको सिलेक्ट करिए, पेज लोड हो जाएगा। यहाँ पे क्लास 12th के लिए कैंडिडेट नेम, स्कूल कोड, फादर्स नेम, मदर्स नेम। सो कैंडिडेट 12th के लिए थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे स्कूल कोड का, और बाकी चीजें सेम है, जैसा LOC के अंदर मेंशन था वैसा ही करना है और ये सर्च डाटा के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से कैंडिडेट अपने रोल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि उनको रिजल्ट को फाइंड आउट करने में मदद करेगा जब CBSE रिजल्ट अनाउंस करेगी अपने वेबसाइट पे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देना था, ताकि CBSE से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th में जो हैं, वो अपने रोल नंबर को फाइंड आउट करके रख लें, ताकि जब रिजल्ट अनाउंस हो तो उनको रिजल्ट को फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ।